से ऊंची अनंत की नजरें हटने से रही, तभी तो वो आहाना के आगोश में खोए हैं। आधी उम्र की आहाना के साथ अनंत की ये नजदीकियां रेहान को हैरान कर रही। अनंत की जुल्फों से मारता, कभी निहारता तो कभी प्यार से गाल चूम लेता। जहाँ रेहान पर बिजलियाँ गिरा रही है, वहीं घर वाले भी आहाना के आतंक से परेशान है। मौसी, आहाना ने आपको भी हमसे दूर कर दिया ना, वो इस घर में सबको एक दूसरे से दूर करना चाहती है। नहीं है बेटा, कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं करना चाहता। और देखो मैं यही तुम्हारे सामने और हमेशा की बरस की सफेद हो गई है, लेकिन आहाने से ऐसी लगी कि अनंत की आशिकी फिर से जवान हो गई। मेरी और आहाना की जो बॉडी लैंग्वेज और केमिस्ट्री है, क्योंकि हम पिछले 40 या 50 या 60 एपिसोड्स ऑलरेडी शूट कर रहे हैं, और बिकॉज सो ऑब्वियसली एक एक्टर्स की बॉडी लैंग्वेज कंफर्टेबल हो जाती है। आई एम श्योर रेहान को आप अगर जब 10 एपिसोड के बाद आप उसे देखोगे तो उसकी भी बॉडी लैंग्वेज कंफर्टेबल हो जाएगी। हाँ, बेटी और बेटी की उम्र की बीबी के बीच गलत फहमियां सुलझाते आनंद जरूर थक जाएंगे। जो रोशनी है उसकी माँ नहीं है, आयशी फील्स के फादर का लव जो है वो डिवाइडेड हो जाएगा। वो इनसिक्योरिटी है जो एक यंग बेटी की होती है, सो बेसिकली इट्स थिंग्स टू डू विद इनसिक्योरिटी। आनंद, ये इश्क नहीं आसा, बस यूँ समझ लीजिए कि उम्र का फासला है और रिश्ते का रायता जिसे समेटते जाना है।